हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्थुरुल गाजी का एपिसोड नंबर 45। आइए देखते हैं दावत टाइम। अर्थुरुल यहाँ जा। नहीं, अपने घर वाले हैं। इसके लिए बुरा लगता है खाली बस। खुशी की बात है कि सब साथ मौजूद हैं। सुलेमान शाह भी बहुत खुश होंगे ये देखकर कि पुरानी बातों को भुलाकर अपनी नई सरजमीन। आप सबको खुश आमदीद। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। अरे वो सुल्तान, आपने हमारी दावत कबूल की, खुशी है हमें। अरे वाह। तैयार रहेंगे, हमें इनकी कुव्वत-ए-बाजू पर पूरा भरोसा है और अल्लाह
ने चाहा तो चल ये तुर्गुत को भी काफिरों की कैद से छुड़ा कर ले आएंगे। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सरदार, अब सिंह बादशाह और शहजादी यकीन आए हैं। बुलाओ उन्हें, उनके लिए भी जगह मौजूद है यहाँ। बाबा, अब सिंह बादशाह के बारे में आपको बताया था, वो और कहा पहले सुन लेते हैं उसे। इतनी सी उम्र में
जानती हूँ बाबा मजबूर थे, शायद हमें बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्या मालूम। मगर मैं ये बात कभी नहीं जान पाऊंगी, चले गए वो। अब मैं उन्हें वैसे याद रखूंगी जैसे मैंने उन्हें सारी जिंदगी देखा, एक बहादुर बाप की तरह जो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहता था। वो सिर्फ मेरे बाबा कर सकते। शुक्रिया अर्दुल आपका। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और ये कुरान ईसा करना चाहते हैं बाबा को। अल्लाह उनकी माफ़िरत फरमाए अलीमा, और आपको सब्र दे। आमीन।
तो तुम दुर्गुद को वापस लाने को कर चुका हूं। मैं किसी भी ऐसे शख्स से मदद नहीं लूंगा जिसने मेरे साथियों के कातिल से हाथ मिला लिया। खुदा हाफिज। Ayyâle's-salâh, ayyâle's-salâh,
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر मेरी तरफ देखो और दोहराओ इसे। उछलो उछल झीलो उछलो दोहराओ मोल्टो बेलो उछलो खूबसूरत मोल्टो बेलो से भी ज्यादा खूबसूरत यकीन करो अगर तुम कभी जेनोआ गए तो हर लड़की तुमसे बात करने के लिए तरसेगी तुम्हारी खूबसूरती क्या है
पर हक माफ कीजिएगा बाबा। माफ किया? हक माफ कीजिएगा। सोफा भिजवाया है, खोलो इसे। सलीबी खिले वाले ही हो, तो मुझे काफी अच्छे लगे नौजवान। तुम्हारे इन अल्फाज की बात तो और भी पसंद करने लगा। बैठो बैठो। जरूर, पी लेने से बदन में गर्मी आ जाएगी थोड़ी।
یخنی پیش کشد ناچوان کو. ہم سلیمی لوگ ہیں، ان روایتی پادریوں سے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اتنی شدید کہ تم مسلمانوں کو اس کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں. بہت اچھے، خوشی ہوئی کہ کوئی چیز تو مشترک ہے ہمیں. مجھے بھی نوجوان. बहादुर होते ना ये, तो पहाड़ों के पीछे छुपकर किले में नहीं बैठे रहते ये काफिर लोग. हाँ, ये तो हम मुसलमानों की बहादुरी है जो इस किले पर भी हमला करने पहुंच जाए. हमसे लड़ेंगे ना तो किले की ऊंची दीवारें भी इनको बचा नहीं पाएंगी. इस तरफ के बहुत से सलीबी खदे पूरे बोहरे रूम में मौजूद हैं. ये काफिर अपने मंसूबों की तकमील के लिए अपने पापा आजम को भी डराते धमकाते हैं और कार्डिनल को पापा आजम बनाना चाहते हैं. काफिर तो हर जगह है असल बादशाह, कबीले में है, खैमों के अंदर है, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है. कहीं ऐसी हुकूमत नहीं जो मजबूत हो. सब कुछ इतना परेशान कुन भी नहीं है. हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गए हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा. एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत जल्द उठेगी इंशाल्लाह, जिसकी सरहदें लामहदूद होंगी, और वो सल्तनत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस उरूज पर पहुंचाएगी जो आलम इस्लाम का बोलबाला करेगा. सच पूछो तो तुर्कों ज्यादा अरसे तक आजान परचम और सल्तनत के बगैर नहीं रह सकते. अर्तुरुल भाई, कार्डिनल पे काबू पा लेंगे, फिर ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करेंगे हम.
तकरीबन। हाँ थोड़ा बहुत, खासकर अलजीज ने जो किया उस पर। शहबुद्दीन की जगह आने वाला वफादार सलीबी हमें वहां पहले से मजबूत कर देगा। अरे रे, मसला सिर्फ हलक का नहीं, बोर्डो से ब्लैंक फोर्ट, प्रोवेंस से अमट, अरागोन से तोरोजा और सबसे आखिर में मोंटेगो। इन उस्तादों और अजीम दस्तगाहों से सीख कर भी सदाजम हम ऐसा नहीं होने देंगे। अंताकिया के उस्ताद आजम है, कुछ पर जब हम काबिज होंगे तो आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। चलो देखते हैं कि इस बारे में हमारे मेहमान क्या कहते हैं। कौन से मेहमान? यरूशलम अक्का और त्राबलुस का सालार। वो अपने उस्ताद मोंटेग्यू की हिदायत पर यहां आ रहे हैं। अब हमारे पास नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है टाइटस। सख्त जा, कम से कम उन खाना बदोशों जितना वैशी होना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो ना तुम? असल बात यह है कि हम जिसकी तलाश में थे वो हमारे पास आ रहा है। वाकई आ गया है वो। भारी है। दरवाजे पर एक तीर पड़ेगा। बाप रे बाप। मेरे को लगा ये वाले एपिसोड में ना हमें कुछ गुड न्यूज मिलेगी हलीमा को लेके। नहीं, वो बहुत शानी है सलजान। yes, टाइम पे है, एकदम टाइम पे गोपची की शादी की बात निकालती है ये सब। सब बहुत ही है, ऊपर से वो टाइम पे उसको मालूम नहीं पड़ा हलीमा भी उसके डैड नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे भी थे वो उनके डैड थे ना, वो था एक तो। बट उनको पता नहीं था कि हलीमा और उसको आई के सीधा कोई बुलाया है। जैसे वो लोग एंटर उनका शक्ल देखने लायक था रे बिचारी, वो ना गोपची बिचारी यार। पर गुद्दू तो क्या कर रहा था उसको पता नहीं। उनको वो है सलेबी है एक्चुअल में, पाली लोगों से नफरत करते उन्होंने वो गाना। उसको पता नहीं कि एक्चुअल दुश्मन है वो। तो उन्होंने पूरा सच भी नहीं बोला, पूरा झूठ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे बंदूक को फिर फंसाया जा रहा है। अरे यार यहाँ पे फंसे ना कुछ स्मार्टली निकल जाए, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी है ना तब काफी, तो वो जिम्मेदारी पूरी करने के चक्कर में कुछ गलत ना कर दे। जिम्मेदारी देते हुए दोनों भाई खुश थे। खुश थे, ये नहीं था कि चलो जिम्मेदारियां दी है तो पूरी करनी है, पूरी करनी है कैसे भी। ओके, और वो करेगा भी, बट बस वो फंस ना जाए। कार्डल था, उसको कैसे पकड़ते हैं वो देखना है। और क्या तुर्गुत को निकाल पाएंगे? अगर निकालेंगे तो क्या तुर्गुत तुर्गुत रहेगा या यहूदा? वो तुर्गुत भी अभी चेहरा अभी भी है। चलो देखते हैं आगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।